चलो अब मैं यहाँ से तैयार होता हूँ, थोड़ा सा नहा लेता हूँ, धो लेता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा पूजा करूँगा। पूजा करने के बाद दोपहर में 12-1 बजे या समथिंग 2-3 बजे मैं यहाँ से निकलूँगा। जाना है काफ़ी दूर तो नहीं, है दूर, है 15-16 किलोमीटर दूर है। आपको सरप्राइज़ है, वो जगह नहीं बताऊँगा, और लास्ट में ब्लॉग जब एंड होगा तब आपको जगह बताई जाएगी और मैं किस काम से गया हूँ वो भी बताया जाएगा। बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर, अभी आता हूँ तैयार होकर। चलो दोस्तों मैं हो चुका हूँ रेडी, अब निकलता हूँ मैं सीधा। घर में ताला वाला लगा देता हूँ क्योंकि घर में कोई है नहीं, सारे लोग काम पर गए हैं, और मैं अब यहाँ से सीधा निकलता हूँ। अब गाड़ी को रेडी करते हैं और चलते हैं सीधा। दोस्तों आपके लिए सरप्राइज, माँ चंडी देवी का मंदिर सामने, नेशनल हाईवे पे, कोटद्वार नजीबाबाद वाले हाईवे पे। बस यहाँ से कुछ है, ये हम आ चुके हैं गांव में। दोस्तों आपने मैंने सरप्राइज के लिए बोला था, मेरे हिसाब से आपने हर जगह देखी होगी। पूरा यहाँ तक अभी काम चलने वाला है, इसमें एरिया देख सकते हो आप लोग। चलो फाइनली हमारी बात हो चुकी है, अब हम घर को निकल रहे हैं। अब तो घर जाके मिलते हैं आपसे। ये आप देख सकते हो मोर, ये देखिए यार, बड़े मुश्किल से देखे हैं आज। बड़ी भारी मात्रा में हाईवे का काम कर रहा है, इसको आप देख सकते हो एकदम गांव का आनंद, रमणीक माहौल, रमणीक माहौल एकदम। देख सकते हो कितना सुंदर नजर है, सबसे बढ़िया आनंद आता है ऐसी प्रकृति का, सुंदर है मुझे शांत वातावरण और देख सकते हैं आप कितना जाम ट्रैफिक है। आगे चंडी देवी का रास्ता है, आपको ले आपके लिए सरप्राइज गौरी शंकर का मंदिर, और इसके ठीक सामने ट्रॉली जाती हुई दिख रही होगी आपको माँ चंडी देवी का मंदिर। सामने आप देख सकते हैं ये माँ गौरी शंकर का मंदिर, पुराणों के अनुसार शिव पुराण में इस मंदिर का उल्लेख किया गया है। देखिए उषा ब्रे को यहीं से सामने से, ये यहीं से ट्रॉली जाती है। अंदर कभी जाओ तो बहुत अच्छा स्वादिष्ट खाना भी मिलता है यहाँ उषा ब्रे को के अंदर, अच्छी कैंटीन है देख सकते हो आप। देखिए आप एम्बुलेंस भी फंस गए। जय माँ चंडी, ये चंडी देवी का पैदल रास्ता, राज्य कैंप का व्यू।
रात्रि का एकदम नेक्स्ट लेवल का। ये देखिए आप, कुछ अलग ही है यार, रात को घूमने का मजा ही कुछ अलग है दोस्तों। दिन में उतना मजा नहीं आता जितना दोस्तों। आप भी मेरे हिसाब से नाइट का सफ़र सबसे अच्छा लगता है, और आपको जिसको ट्रैवलिंग का भी शौक़ है, नाइट ट्रैवलिंग बहुत मज़ा, नेक्स्ट लेवल का जिसे बोलते हो, उसका भी एक कारण है कि ट्रैफिक नहीं मिलता और वातावरण भी शुद्ध सा मिल जाता है, और ट्रैफिक का लहराता हुआ फन बनाता हुआ हमारी आन मान शान कपड़ा तिरंगा हरिद्वार का, ये देखिए मनसा, जय मां मनसा। जय भोले बाबा। फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ घर, अब ब्लॉग को एंड करने का समय आ गया। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।